जय हिंद। देखिए, अभी हाल में केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश को मंजूरी लाने के लिए संसद में जो कृषि से संबंधित 3 संशोधन विधेयक रखे हैं, उसको लेकर कई विपक्षी पार्टी तथा हरियाणा और पंजाब के किसान खासे थोड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रदर्शन भी किया। इसमें सरकार कह रही है कि ये विधेयक जो है वो एकदम गेम चेंजर है। आपको पता है सरकार ने लाया है तो गेम चेंजर ही होगा, और विपक्ष कह रहा है ये बर्बाद होगा। आपको पता है कि भैया विपक्ष में हो तो बर्बाद ही होगा। हमारे हिंदुस्तान में तो ये 1947 जब देश आज़ाद हुआ तभी से चलते आ रहा है कि हम जब सत्ता में तो भैया हम जो करेंगे वो सही है, चाहे वो GST हो, चाहे वो FDI हो, चाहे नोटबंदी हो, और अगर हम विपक्ष में हैं तो वही कुछ भी होगा तो वो खराब ही होगा। लेकिन आपको समझना है भैया ये सही है या गलत है। हर चीज़ के कुछ अच्छाइयाँ और खराबियाँ होती हैं, तो इसमें भी देखते हैं क्या इस विधेयक में अच्छाइयाँ हैं और क्या खराबी है और क्या जोड़ के और अच्छा किया जा सकता है। तो इसमें 3 विधेयक हैं, हम तीनों को अलग अलग करके समझते हैं। पहला जो विधेयक का नाम है उसे इनका नाम है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020 है, क्योंकि 2020 में संशोधन हुआ है। हिंदी में कहें तो आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो भंडारण नियमन है। देखिए, कुछ आवश्यक वस्तुएं होती हैं जैसे नमक, तेल, आलू, प्याज, गेहूं, चावल, ये सब आवश्यक वस्तु हमारी जीवन के लिए है। अगर कोई किसान इसका भंडारण कर लेता है, कोई बड़ा व्यापारी इसका भंडारण कर लेता है, तो फिर उसकी रेट बढ़ जाएगा। जैसे आपके शहर में कई कंपनियों के तेल आते होंगे, सरसों तेल जिसमें आप खाना खाते हैं, अब कई कंपनियों का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका एक एजेंसी लिया रहता है जिसको आप डीलर कहते हैं, उसी के पास वो कंपनी ले आके पटक देती है कि लो भैया अब तुम यहाँ पर इस शहर में जितने लोगों को ज़रूरत होगा तुम छोटे व्यापारी को देना, वो छोटे को देगा, वो दुकानदार को देगा, वहाँ बिकेगा। अब जरा सोचिए कि अगर ये जो कंपनी वाला है, जो सबसे उस शहर का सबसे बड़ा डीलर है, जो गोदाम वाला, अगर वो खूब ज़्यादा सरसों के तेल को कई लाख लीटर रखे हुए हैं और उससे आ रहे हैं सर सप्लायर खरीदने के लिए, होलसेलर खरीदने के लिए कि साहब हमको सरसों तेल चाहिए, तो कहेगा कि नहीं है, ये नहीं है, जाओ जाओ यहाँ पे। तो जो सरसों तेल आपको 120 रुपया लीटर मिलना चाहिए, अब वो तो धीरे धीरे रेट बढ़ेगा क्योंकि उसके पास है, लेकिन वो क्या कर रहा है, भंडारण करके रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है, तो ये रेट बढ़ेगा। अब जैसे वो 120 से 200 रुपया पहुँचेगा तुरंत वो कह देगा हाँ हाँ आ गया आ गया आ गया, अब वो उसको धीरे धीरे सप्लाई करेगा। अब इससे क्या होगा कि उसको जो बड़ा व्यापारी था उसको तो गोदाम में रख लिया, उससे फ़ायदा हो गया। ये बहुत ज़्यादा होता था, कब होता था, 1955 में। तो सरकार ने इसको एक कानून लाया कि अब आप भंडारण नहीं कर सकते, अगर आप भंडारण करेंगे तो आपके गोदाम में पकड़ा जाएगा, तो आपकी लाइसेंस सीज कर दी जाएगी, आप जेल चले जाएंगे, लाखों रुपए जुर्माना लग जाएगा। तो कोई भंडारण नहीं करता था, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी 2020 में संशोधन ला दिया कि नहीं आप भंडारण कर सकते हैं। आप केवल 2 स्थिति में भंडारण नहीं कर सकते, कब, युद्ध में नहीं कर सकते और आपदा में नहीं कर सकते, इसके अलावे आप भंडारण कर सकते हैं। और पता नहीं क्या जरूरत थी सरकार को ये जून में अध्यादेश लाने की। अध्यादेश तब लाया जाता है जब बहुत इमरजेंसी की जरूरत हो और राष्ट्रपति से कह के कानून बनवा दिया जाता है। हमको तो नहीं लग रहा था कि जून के कोरोना महामारी में ये भंडारण की अनुमति देने वाला कानून लाना चाहिए था। गवर्नमेंट जो थी वो इसका कृषि को, मतलब कृषि से अपना पल्ला झाड़ने के लिए पहले से तैयार बैठी थी। उसको मिल गया बहाना कोरोना का कि न प्रदर्शन होगा न कुछ होगा, जून में शांति से निपटा दिया, और जब उसको फाइनल कानून बनाने के लिए संसद में लाया गया तो उसका विवाद होने लगा। अब आप बताइए, आपने जो ये आदेश दे दिया, अब जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनका गोदाम है, आपको ही पता है कोई घर में कितने चीज़ों को स्टोर करके रख सकता है, बहुत कम ही चीज़ को स्टोर करके रख सकता है, उसका अपना गोदाम होता है और गोदाम उसी एरिया में होता है। अब मान लीजिए किसी का दिल्ली में मार्केट है तो गोदाम लखनऊ में थोड़ी रखेगा भैया, दिल्ली में ही रखेगा। अब उसने क्या किया है, सपोज कीजिए कि दिल्ली में वो किसी कंपनी किसी चीज़ का वो ले रखा है, एजेंसी वगैरह, सपोज आपके यहाँ MDH मसाले और ये एवरेस्ट मसाला बहुत चलता है, उसने पूरे दिल्ली का उसके पास स्टॉक है, वो फैक्ट्री से उसी के पास आ रही है और उसने स्टोर करके रख लिया है। अब वो दे ही नहीं रहा है, कह रहा है कि भाई है ही नहीं है मेरे पास, पुलिस आएगी गोदाम दिखाओ तो कहेगा पगला गए का, मोदी जी 2020 में नियम लाए हैं, पढ़े नहीं है क्या, एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए आप, युद्ध है अभी, युद्ध चल रहा है कहीं, नहीं कोई आपदा आई हुई है, अभी तो खैर कोरोना है, कोरोना बीतने की बात करें, कोई आपदा है तो पुलिस कहेगी नहीं तो कहीं निकलिए यहाँ से। अब कह लिए गोदाम चेक कीजिएगा, गोदाम में भंडारण आप तभी चेक कीजिएगा जब युद्ध और आपदा के समय हम भंडारण करेंगे, उससे पहले हम कर सकते हैं, मसाले का रेट बढ़ जाएगा। क्या सोच के लाया गया हमको समझ में नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट क्या कह रही है इस पे कि भाई हम ये भंडारण क्षमता व्यापारी को भी दे रहे हैं और किसान को भी दे रहे हैं, कि किसान जो है अगर वो आलू बोया है और आलू बोते समय उस आलू का रेट 10 रुपया है तो आलू किसान भी रख ले अपने जगह, अपने यहाँ घर में आलू रख ले और 2 महीना बाद बेचे जब आलू का रेट 25 रुपया हो जाएगा तब। ये बताइए किसान के यहाँ नया फसल बोएगा, किसान का हवेली रहता है क्या, उसके घर में बेचारा कितने गरीबी से किसान जीते हैं सब नहीं समझ में आता है, बेचारा उसको खुद के रहने के लिए अच्छा सुविधाएं नहीं होती है। कहते हैं किसान के बारे में घर तो पकती थी उसकी, लेकिन फिर भी वह किसान बारिश की दुआ मांगता था।
अजब हाल है भाई। ये किसान के पास इतना जगह है जो भंडारण करेगा, कितना रख सकता है किसान? एक व्यापारी से ज़्यादा तो नहीं रख सकता है। तो ये तो सीधा सीधा इन व्यापारियों को एक कालाबाजारी करने की छूट है, और हद तो तब हो गई जब सरकार ने इसे अध्यादेश में ला दिया। हालांकि आपको पॉलिटी में हम अध्यादेश पढ़ा देंगे, अगर आप बोलेंगे अनुच्छेद 123 में अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट है, इसे क्यों लाया जाता है, तो पहला ये तो किसी काम का नहीं रहा, ये उसका कोई खास महत्व नहीं रहा। दूसरा विधेयक जो सरकार ने लाई है वो अच्छा है, लेकिन ये वाला आपको अगर अच्छा लगता है तो आप बताएंगे कमेंट करके कि अच्छा है पहला वाला। अब हमको तो हमको उतना अच्छा नहीं है, अब हम हो सकता है कि हम गलत हों, आप किसान हैं आप ज़्यादा समझते होंगे। दूसरा संशोधन जो लाया गया है उसको क्या लाया गया भाई, तो देखिए फार्मर्स ये थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा आपको, एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, इसको हिंदी में क्या है कि इसका इसको मेन इसमें क्या रखा गया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को रखा गया। अब इस विधेयक को ध्यान से समझिए, इसमें जो मेन चीज़ें क्या कही गई, ये अच्छा है विधेयक, इसे हिंदी में कहेंगे मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त एवं सुरक्षा समझौता। किसानों को एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, किस चीज़ की समस्या, अगर वो गेहूँ बोने गया है, अब गेहूं में उसको भी देख रहा है कि गेहूं बोने गए हैं तो 25 रुपये किलो गेहूं बिक रहा है, तो सोचता है कि चलो गेहूं लगा देंगे, चार महीना बाद जब इसे काटने जाता है ना तो बेचारा 25 रुपये की जगह गेहूं 16 रुपये हो जाता है, तो परेशान हो जाता है किसान क्या करे। तो इस विधेयक के तहत अब कहा गया है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है ना अब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकती हैं, यानी आप अनुबंध कृषि कर सकती हैं। अब ये क्या है भैया अनुबंध कृषि, तो बहुत ज़रूरी है, आप इसे ध्यान से समझिए। लेज कंपनी चिप्स बनाती है, पार्ले कंपनी करोड़ों की संख्या में बिस्किट बनाती है, ब्रिटानिया पार्ले ये सब, तो पार्ले कंपनी को गेहूं चाहिए, लेस कंपनी को क्या चाहिए, आलू चाहिए, लेकिन इन्हें आलू 2-4 किलो नहीं चाहिए, इसे थोड़ा मालगाड़ी का मालगाड़ी बुक कर लेता है। ऐसा कौन सा गली मोहल्ला होगा जहां चिप्स नहीं बिकता होगा लेस का, या ब्रिटानिया पार्ले जी की बिस्किट नहीं होगी, उन्हें इतनी गेहूं कहां से आएगी, इसका मतलब वो छोटे किसान से खरीद नहीं पाते हैं। अब जब वो खरीदने जाते हैं तो उन्हें गेहूं थोड़ा महंगा बिकता है, तो इसी में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जाएगा। वो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और पूरा एक गांव है, जैसे मान लीजिए ये गांव है ना, इस गांव में देखिए ये खेत हीरा लाल का है, ये अख्तर का हो गया, ये मिश्रा जी का हो गया, ये यादव जी का हो गया, ये शांति देवी का हो गया, ये किसी का हो गया, मान लीजिए ऐसे हो गया, यहाँ पर अलग अलग लोगों का खेत है। अब जो कंपनी है मान लीजिए कि बिस्किट की कंपनी है पार्ले जी, उसको लगा कि हमको ना 10,000 मीट्रिक टन हमको गेहूँ चाहिए। अब वो अपने इंजीनियर को लाएगी और कहेगी देखो तो 10,000 मीट्रिक टन कितने एरिया में हो जाएगा, तो उसका इंजीनियर कहेगा ना आइडिया लगा के पूरा कि भैया इतना एरिया में अगर आप गेहूं बोआ लीजिए ना पूरा गेहूं, तो इतना हमारी ज़रूरत पूरा हो जाएगा। तो कहेगा भैया इतना में तो बहुत ही आदमी का खेत है, तब वो जितना किसान है वो सबसे एग्रीमेंट कर लेगा, क्या कर लेगा, कॉन्टैक्ट कर लेगा कि भैया देखो आप लोग इस एरिया में ना केवल गेहूँ बो लो और कुछ नहीं, बस गेहूँ बो। तो किसान कहेगा कि हमारा कौन सी मिलतो, तो कहा कि देख भैया तुम डिसाइड कर लो गेहूं बोने से पहले ही कि अगर तुम गेहूं बोओगे तो तुम्हें गेहूं का कितना रेट चाहिए। तो किसान कहेगा ये तो बढ़िया बात बोल रहा है, बोने के समय गेहूं रहता है 25 और जब बेचने जाते हैं तो हो जाता है 16। तो कहेगा ये पार्ले जी 25 रुपया किलो अगर आप गेहूं खरीदिएगा तब हम यहां हम गेहूं बोएंगे, ना तो हमारा मन यहां सरसों बो देंगे, किसी का कुछ दुनिया भर कुछ भी बो सकता है भैया, वहाँ आलू बो देगा, कुछ भी बो देगा, सब्जी बो देगा, तो पहले से उसके लिए कितना कहा हो गया 25 रुपया। अब किसान टेंशन फ्री है कि भैया वो कंपनी क्या है 25 रुपये में हमें खरीदेगी। तो इसमें क्या होता है प्राइस बिफोर फार्मिंग, खेती से पहले ही कंपनी वाले क्या कर लिए सब प्राइस कर लिए। अब कंपनी भी टेंशन फ्री है, वो अपना प्रचार पे फोकस की है, उसको टेंशन नहीं है, उसको पता है कि 4 महीने बाद किसान लाएगा, इसमें वो कंपनी झांकने नहीं आएगी आप क्या किए क्या नहीं किए, समझ आ गया कि नहीं। अब जब कटिया का समय आएगा अप्रैल में, जब कटिया होगा गेहूं का, तब सब किसान यहाँ पर रहेगा, आई मान लीजिए सुरेश का था, ये अब्दुल का था, ये मिश्रा जी का था, जिनका जिनका खेत है उनके खेत में कितना गेहूं हुआ है, ये सब कुछ खेती जैसे पहले होती है वैसे होगी, लेकिन अब ये पहले से इनके कॉन्टेक्ट था पार्ले जी वाले से, तो पार्ले जी वाला अपना ट्रक लगा देगा और वहाँ 25 रुपये किलो से भर दीजिए। अब ससुरा मार्केट में गेहूँ 10 रुपया हुआ कोनो मतलब नहीं, 25 रुपया पहले से कॉन्टेक्ट है। मान लीजिए कि गेहूं 2 रुपया किलो हो गया, किसान टेंशन फ्री है, किसान के लिए कितना मस्त है भैया कि तुमको ना मंडी में ले जाने की ज़रूरत है, कंपनी वाला खुद ट्रक लगाएगा लेके भेज दिया। ऐसे ही किसी चिप्स वाले को आलू की ज़रूरत थी, करोड़ों टन आलू की ज़रूरत थी, आके कह देगा कि भैया आलू बो दो, आप बोइए, आप बिया लाइए, आप पानी डालिए, सब आप कीजिए, फसल खराब होगा तो आप समझिए, जो बचा हुआ फसल है उसको वो उस रेट पर खरीदेगा जो उसने पहले किया था, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बेहतरीन है कि नहीं, बहुत अच्छा है। तो जो पहला नियम फालतू था वो हमें नहीं
नहीं सही लगा, आपको लगा होगा ये नियम हमको अच्छा लगा, लेकिन इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, जिसमें गवर्नमेंट ने गांव के लेवल से लोगों से बात नहीं किया, इसलिए गड़बड़ हो गया। जरा इसमें समस्या समझिए, ये वाली कंपनी जो थी इससे गेहूं कही थी कि हम 25 रुपया खरीदेंगे, आलू वाली कंपनी ने कहा था कि अगर तुम आलू बोओगे तो हम 30 रुपया आलू खरीद लेंगे, जो भी चीज है वहां पर। मान लीजिए कि यहाँ पे इन्होंने तो 25 रुपया गेहूं तय कर लिया, और महंगाई बढ़ने के साथ मार्केट में अगर गेहूं 50 रुपया बिकने लगा और किसान जाके चुपे चुपे 50 रुपया बेच दिया, तब क्या होगा, कौन सेटलमेंट करेगा इसका, एक ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरा मान लीजिए कि यहाँ पर गेहूं का उत्पादन हो गया और उस कंपनी को घाटा लग गया, कंपनी बंद हो गई, तो फिर किसान का गेहूं कौन खरीदेगा, या जानबूझ के वो कंपनी किसान से गेहूं नहीं खरीदेगी तब क्या हो, या 25 रुपया बोली है और खरीदने के समय करिए देना है तो 20 रुपया में दो, नहीं तो जाओ भाड़ में जाओ, तब क्या होगा। तब गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो एग्रीमेंट होगा ये मंडी के अधिकारी इसका क्या करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, यही गलती कर दिया है। गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि जो कंपनियां हैं जो कॉन्टेक्ट करने के लिए आ रही हैं वो एग्रीमेंट करेंगी इस गांव के मुखिया जी से, जो प्रधान होते हैं ना ग्राम प्रधान विलेज पंचायत के मुखिया से, उसके उपस्थिति में ये क्या करेंगे, वो लोग इस एग्रीमेंट को करेंगे। इससे क्या होगा, किसानों का शोषण नहीं होगा। आप कहेंगे कैसे, तो सुनिए, एक गांव जब भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेती है ना तो 2-4 कट्ठा खेत नहीं लेती है, पूरा गांव ले लेती है, 10-20 गांवों को कहेगी भैया इतना में आलू बो दो, हमारी चिप्स की कंपनी है, वो कहेगा भैया इतना में ना आप मूंगफली बो दो, हम पीनट्स बेचते हैं, कोई कह देगा इतना में, मतलब समझ रहे ना कि एक दो आदमी से थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट करने आएगी वो, जब एक आदमी से 2 बीघा में कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो डायरेक्ट दुकान पर से नहीं खरीद लेगी कि आपका 6 महीना इंतजार करने जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो गाँव का गाँव। अब जब गाँव का गाँव कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो गाँव में तो हजार बहुत से लोगों का क्या होती है, जमीन होती है, कोई एक आदमी से तो जमीन नहीं है, इसका मतलब पूरे गांव से कांटेक्ट हुआ है, तो पूरे गांव के लोगों को खेती का बात है। अब मुखिया जो है उसको हर 5 साल पे वोट मांगने जाना है। अब मान के चलिए कि कंपनी वाला बोला है कि इस गांव की जितनी गेहूं है हम 20 रुपया 25 खरीदेंगे, और अगर वो 20 रुपया खरीद रहा है, मनमानी कर रहा है, तो मुखिया लड़ेगा ना जी उससे कि तुम कैसे कर दिया, मुखिया का पावर है। और अगर नहीं लड़ेगा मुखिया तो गांव के लोग याद रखेंगे कि यार ससुरा तू याद कर तोरा 5 साल बाद वोट नहीं दिलाएंगे, और गांव की मेंटेलिटी अलग होती है भाई साहब, गांव में हर आदमी एक दूसरे को बाई फेस पहचानता है। अब गांव में घुस जाइएगा तो सब देखेगा, सर ससुरा बाहर का है गांव का नहीं है, शहर में कौन आया मर गया चला गया पता ही नहीं चलता, गाँव में इंसानियत रहती है और शहर में इंसान रहा करते हैं, दोनों में फर्क होता है। तो मुखिया को दे दे से एक फायदा हो जाएगा, कि मुखिया जब भी सुनेगा वो कंपनी का नहीं सुनेगा, कंपनी बाहर में जब तुम कहा कि कंपनी हमको नहीं मतलब, मुखिया जब भी सुनेगा वो अपने वोटर्स का सुनेगा। आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी अपने वोटर्स का सुनता है, लेकिन अगर आप अधिकारी को दे देंगे तो उसका क्या मतलब बनता है यार, उसको ड्यूटी करे तो भी उतनी सैलरी, नहीं करे वो भी सैलरी, और अगर अधिकारी को बैठाएंगे तो जानता है किसान का सुनेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, कंपनी का सुनेंगे तो पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट यही गलती कर रही है, ये जो एग्रीमेंट है इस गाँव के प्रधान या मुखिया के नेतृत्व में करना चाहिए, तो ये सोने पर सुहागा हो जाता। दूसरा ये वाली चीजें अच्छी हैं और ये बहुत पहले से आ रही है, अगर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं हमने लाया है तो नहीं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है 2012 से हो रही है, जब मनमोहन सिंह के समय था, लेकिन उस वक्त बहुत छोटे छोटे पैमाने पर था, और अभी गवर्नमेंट ने जब संसद से विधेयक ला दिया तो ये बहुत बड़े पैमाने पर होगा, आप समझ गए। अब तीसरा समझते हैं, आई होप आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझ गए होंगे, इस विधेयक में यही बोला गया है मूल्य आश्वासन, ये कंपनी क्या दे रही है, आपके प्राइस का आश्वासन दे रही है, और बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता कर रही है, यही गलती है, सुरक्षा समझौता अधिकारी के न होकर मुखिया को किया जाना चाहिए। आप समझ गए, सहमत है तो कमेंट करके बताएंगे। अगले पे चलते हैं हम लोग, तीसरा जो चीज है, देखिए भैया इतना विवाद है ना वो तीसरे को ही लेकर है, और तीसरा वाला अजीब टाइप का है भी। देखिए तीसरा में क्या है, इसमें कहा गया है फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटी बिल। अब ये क्या है भाई, कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य, ये शॉर्टकट में समझिए इस विधेयक का नाम है। इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि जो किसान अपना अनाज उत्पादित कर रहा है, अब वो ट्रक्स में ट्रैक्टर में लोड करके लाता था और मंडियों में बेचता था, ठीक है, कहाँ बेचता था, मंडी में, अब वो चाहे तो मंडी के अलावे और भी कहीं बेच सकता है। हमको तो इसी पे सबसे ज़्यादा हंसी आता है, अरे भैया खुद गवर्नमेंट की एक संस्था है NSSO जो बेरोजगारी का भी आंकड़ा देती है और इन लोग का भी आंकड़ा देती है, इसको सरकार ने खत्म कर दिया कि ससुराल रहेगा तो बार बार बेरोजगारी का आंकड़ा देगा, ये आंकड़ा दे देगा तो सब कहेगा सर रोजगार दो, इसलिए ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, अब आंकड़ा ही नहीं मिलेगा बेरोजगारी का। तो ये NSSO ने क्या कहा कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी खेती होती है ना उसका महज 6% ही मंडी में जाकर बिकता है,
महज 6% जाता है मंडी में, बाकी 94% इधर उधर जाता है। कोई किसान अपने चौराहा पे जाके बेच दिया, कोई किसी साहूकार को बेच दिया, किसी बड़े किराना वाले को बेच दिया, ऐसे ही बिकता है भाई साहब 94%। और आप लोग अगर किसान होंगे तो आप दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि अगर आप 100 लोग देख रहे हैं ना वीडियोस को किसान भाई लोग में से, तो आप में से 6 लोग ही होंगे जो मंडी में जाकर बेचते होंगे। कई लोग को तो पता ही नहीं दूसरा मंडी होता क्या है, कि बहुत जगह मंडी है ही नहीं। आप अगर पूर्वांचल यूपी का पूर्वी एरिया देखेंगे तो मंडी इधर है ही नहीं है, काम की मंडी नहीं है। बिहार में मंडी है जिसे बाजार समिति कहा जाता है, वो आगे हम समझाते हैं आपको। तो गवर्नमेंट ने विधेयक लाया है कि अब आप बाहर भी बेच सकते हैं। तो भाई आप कहाँ थे इतना दिन, सोए थे कि पूरे किसान का 94% लोग बाहर ही बेच रहे थे, तो ये विधेयक ला के आप कह रहे हैं कि नहीं आप बाहर भी बेच सकते हैं। तो मतलब आपको क्या लग रहा था कि 100% किसान मंडी में बेच रहा था? तो हमको ये नहीं समझ में आया कहना क्या चाह रहे हो भाई गवर्नमेंट। अब उनका क्या कहना है, जो गवर्नमेंट ने सफाई में क्या दिया है कि बिचौलियों जो बीच में थे उनकी छुट्टी हो जाएगी, जिसे आड़ती कहते हैं। अब इसको समझ जाइए आप, पहले ऑल इंडिया मतलब आप कहीं भी बेच सकते हैं। आप बिहार में किसी चीज़ का उत्पादन करके आप बंगाल में बेच सकते हैं, तो पहले भी बेचते थे। हाँ, थोड़ा सा अब सहूलियत हो जाएगा, ये बात मानते हैं कि गवर्नमेंट अब इसे ऑनलाइन कर देगी। तो इसलिए 100% कहना गलत है कि नहीं इससे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। एक अच्छाई ये है कि आप कहीं का कुछ भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप प्याज लाएँ महाराष्ट्र में, तो आप वहीं से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं ट्रेडर्स के माध्यम से, आप पटना भेज सकते हैं, दिल्ली भेज सकते हैं, ये अच्छी बात है। अब बात थोड़ा आपको दिक्कत होता होगा, आड़ती क्या है यानी बिचौलिया क्या है। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत ज़्यादा किसान के पास गरीबी थी, तो वो किसी न किसी किसान जो थे बड़े बड़े साहूकार जो सेठ लोग थे उनसे पैसे लिए रहते थे। जब वो चुका नहीं पाते थे तो साहूकार क्या करते थे, सब जब फसल कटने का वक्त आता था तो खेत में घुस के उसकी फसल काट के लेके चले जाते थे। इससे बेचारा किसान को ना अपना पेट भी नहीं भर पाता था और ज़िंदगी भर मजदूर रह जाता था। इसलिए सरकार ने एक नियम लाया था जिसका नाम था APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसे हम लोग कहते हैं बाजार समिति। बिहार में लोग इसे बाजार समिति कहते हैं, शॉर्टकट में इसको बाजार समिति कहते हैं। लेकिन अगर दिल्ली पंजाब हरियाणा की बात करेंगे तो लोग इसे मंडी कहते हैं, बिहार की बात करेंगे तो बाजार समिति कहते हैं, क्योंकि बाजार समिति ही इसका असली नाम भी है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी खेती से उत्पादित होने वाला, मार्केट कमेटी तो मार्केट माने बाजार, कमेटी माने समिति, तो बाजार समिति इसका एक्यूरेट नाम है। बट उधर दिल्ली हरियाणा पंजाब के लोग मंडी कहते हैं। अब इस मंडी में खरीदता कौन है, दुकान? अब बताइए, पार्ले जी कंपनी को गेहूं चाहिए तो मंडी में खड़ा रहेगा पार्ले जी का मालिक या टाई बेल्ट लगा के, वो किसान ट्रैक्टर से उतारो, नहीं खरीदा रहता है। तो मंडी एक बड़ा सा जगह होता है, उस मंडी में